और अब आपको सुनाते मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस मामले पर क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए जरा। देखिए, मैं लंबे अरसे से कह रहा हूँ ये देश किस दिशा में जा रहा है, किस दिशा में जाएगा किसी को नहीं मालूम है। जिस प्रकार का भय का माहौल बन गया देश के अंदर, जिस प्रकार का हिंसा का माहौल बन गया है, ऊपर से जो ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है, जुडिशरी पे दबाव है, चुनाव आयोग पे दबाव है, तो ये तमाम जो देश का मिजाज बता रहा है लोगों को कि सरकारी मंशा ठीक नहीं है, ये तानाशाही प्रवृत्ति है। जिस जगह देख लिया आपने, पार्लियामेंट चल नहीं पा रही है, एक पार्लियामेंट मेंबर खड़ा होकर बोल नहीं सकता क्या? और वो सफाई देने के लिए, उसके लिए भी हंगामा कौन करते हैं? जो सत्ता पक्ष लोग करते हैं। वो भी पहली बार हो रहा है कि सत्ता पक्ष खुद ही पार्लियामेंट में डिस्टर्ब करके अर्जन करवा रही है, तो फिर कहाँ जाएंगे डेमोक्रेसी में लोग, विपक्ष वाले कहाँ जाएंगे? और वही तरीका है जो हम तो जानते ही थे कि जिस प्रकार से उनको रोका जा रहा है, क्योंकि जब से भारत जोड़ो यात्रा हुई है कामयाबी के साथ में, पूरे देश के अंदर मैसेज गया महंगाई का, बेरोजगारी का, हिंसा मुक्त भारत का, प्रेम मोहब्बत भाईचारे की राजनीति हो और गरीब अमीर के बीच में खाई बढ़ती जा रही, वो नहीं होनी चाहिए। चारों मुद्दे जो है उसको लेकर राहुल गांधी चले थे और पूरे देश की जनता ने साथ दिया उनका। तब से ही सरकार घबराई हुई है, कौन कोई बहाना करके ये प्रयास किया जा रहा कि पार्लियामेंट के अंदर कांग्रेस वाले और विपक्ष वाले बोल नहीं पाए। इसीलिए कोई मांग कर लो भले विपक्ष, वो परवाह नहीं करते थे। राहुल गांधी के ऊपर जो आदमी देशभक्त है, जिसके पूरे खानदान ने आजादी जंग में हिस्सा लिया हो, आनंद भवन देश को समर्पित कर दिया हो, जिसके पास खुद के पास रहने के लिए मकान नहीं हो, वो व्यक्ति के बारे में जिस प्रकार की बातें की गई है, जिस देशभक्ति का उदाहरण इन्होंने दिया है जेलों बंद रह करके, इनके परिवार के लोगों ने जिस प्रकार की दादी की हत्या हुई है और देश एक रहा, अखंड रहा, खालिस्तान नहीं बनने दिया, जिनके पिता की हत्या हुई है कि उन्होंने शांति स्थापित करने का प्रयास किया उपमहाद्वीप के अंदर, उस व्यक्तित्व के धनी राहुल गांधी, जिनको मैं बहुत नज़दीक से जानता हूँ कि किस प्रकार वो देशवासियों के लिए, देश के लिए, दलित हो, पिछड़े हो, गरीब हो, कोई ज़्यादा गरीब हो, उनके दिल में जो उनके जो प्रति हमदर्दी है कुछ सोच नहीं सकता, उस व्यक्ति को आपने जिस प्रकार से ब्लॉक किया पार्लियामेंट में बोलने से, अब ब्लॉक किया आपने पार्लियामेंट आने से भी, तो आप सोच सकते हो कि ये इनकी भारी पड़ेगी। इंदिरा जी को भी इन्होंने जो है उस वक्त में तंग किया था, पार्लियामेंट निष्कासित कर दिया था, उसके नतीजे भुगत लिए, आंधी चली इंदिरा गांधी की और पार्लियामेंट में भारी बहुमत से वो कामयाब रही, प्राइम मिनिस्टर बनी वापस। अब मैं कह सकता हूँ जो आज की हरकतें हैं जिस प्रकार चल रही है पिछले दिनों से, 2024 के चुनाव में संभावनाएं बढ़ जाएगी इस तानाशाही प्रवृत्ति की एनडीए गवर्नमेंट को, लोग जो है बख्शेंगे नहीं मेरा मानना है, क्योंकि इस प्रकार की तानाशाही लोग पसंद नहीं करते हैं। हिंदू मुस्लिम करते करते आपने दो चुनाव जीत लिए, पर हिंदू मुस्लिम करते करते जनता भी इसको लाइक नहीं करती है, एक हद, एक सीमा होती है, उस सीमा के बाद में जनता ने किसी को नहीं बख्शा है। इंदिरा जी यही मान देता हार गए चुनाव, वाजपेयी जी चुनाव हार गए, तो मोदी जी को चाहिए कि वो अपने सलाहकारों के चक्कर में नहीं आए, कुछ सोचे हो क्या रहा है देश के अंदर, क्या हो रहा है, और मोदी जी के बारे में क्या लोग सोचते होंगे। वो अपना ओबीसी का एक नेता कहते हैं मान लो, और ओबीसी को लेकर आज उनकी पार्टी के लोगों ने कह दिया राहुल गांधी ओबीसी के खिलाफ में अपनी धारणा रखता है, ये तो बहुत अनफॉर्चुनेट बात है।
राहुल गांधी चाहे एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, उन सब के लिए जान लगाने वाला आदमी है। और मोदी जी खुद ओबीसी के हैं, तो ओबीसी वालों को जितने देश के अंदर है उनको लगता है हमारा प्राइम मिनिस्टर अगर है तो अगर ये हथकंडे जो अपनाए जा रहे हैं देश के अंदर, इसको लेके क्या सोची होगी ओबीसी इनके बारे में? क्या इनका मान बढ़ रहा है क्या इससे? क्या मोदी जी का मान सम्मान बढ़ेगा क्या आप राहुल गांधी को इनकी पार्टी वाले अलाउ नहीं कर रहे हैं बोलने के लिए उसके अंदर? इनकी पार्टी वालों ने सोशल मीडिया को चला कर क्या क्या नहीं उनके बारे में बातें कही गई, और अब घबरा करके आप भारत जोड़ो यात्रा से और जिस प्रकार के फैसले आए हैं, ऐसे अभी कल फैसला आया है डिफेमेशन केस का। अरे भाई लोअर कोर्ट है, उसके बाद में हाई कोर्ट भी है, सुप्रीम कोर्ट भी है, इतनी क्या जल्दी थी कि आपने इस प्रकार का फैसला कर दिया, मेंबरशिप खत्म कर दी? इतने बड़े नेता की जिसका एक मैसेज है, जिसका एक ऑरा है देश के अंदर, जिसकी फॉलोइंग है देश के अंदर, उसको आपने इस प्रकार से मेंबरशिप से निष्कासित किया है एक प्रकार से, तो लोग बगसने वाले नहीं मेरा मानना है।